प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 24 जून से प्रवेश उत्सव के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। प्रवेश उत्सव के दूसरे चरण के लिए विभाग की ओर से सभी तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। इस चरण को लेकर शिक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रवेश उत्सव में बच्चों के परिजनों को क्वालिटी एजुकेशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है और साथ ही सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के लगाव को भी यहाँ बढ़ाने का काम किया जाता है, जिससे नामांकन में वृद्धि होती है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 जुलाई को सार्वजनिक स्थानों पर बाल सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। जो वैसे तो हर साल प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो शिक्षा विभाग ने बहुत ही नए तरीके से प्रवेश उत्सव को मनाने की कोशिश की, जैसा आप सभी लोगों के सहयोग से और आप सभी लोगों को मालूम ही है, इस बार 24 जून से स्कूल खुल रहे हैं और 24 जून से प्रवेश उत्सव की सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें 2 जुलाई जो है, 1 जुलाई से बच्चे आने स्टार्ट होंगे, 2 जुलाई को अमावस्या का दिन है, उस दिन जनरली गांव के जो वर्कर्स लोग होते हैं वो छुट्टी पे रहते हैं, तो 2 जुलाई को बाल सभा का बड़ा आयोजन करने का एक तरह से सरकार की मंशा है कि उसी तरह से प्रवेश उत्सव की एकदम चरम परिणति के रूप में जो बाल सभा है वो गांव के सार्वजनिक स्थान पे की जाए, लोगों को विद्यालयों की विशेषताओं के बारे में बताया जाए और गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों के साथ जोड़ा।